हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट का होस्टिंग को कैसे चेंज करते हैं। सपोज कीजिए आपने आपका होस्टिंग लिया हुआ था, आप 1 साल पूरा हो गया या जो भी करंट होस्टिंग है सब संतुष्ट नहीं है, तब किसी और होस्टिंग को पूरा वेबसाइट का डेटा लॉस किए बिना कैसे आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट वेबसाइट है, तो उसको लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को पहले हम लोग डाउनलोड करेंगे। इस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में इसका पूरा डेटा को पहले डाउनलोड कर लेंगे। इसका एडमिन पैनल में जाएंगे, फिर यहाँ से प्लगइन्स में जाएंगे, शायद तो छोड़ जाए कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पर आपका प्लस बैकअप दिया हुआ, बैकअप हम लोग क्लिक करेंगे, उसको बैकअप ना पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा, बैकअप फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो बारी बारी से सारे को हम लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। सारे को एक बार बारी बारी क्लिक करते हैं, इस पर डेटाबेस प्लगइन थीम अपलोड एंड अदर्स, यहाँ थोड़ा समय लगता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कंप्यूटर पर डाउनलोड होगा। ठीक है, फर्स्ट आप क्लिक किए डाउनलोड शुरू हो गया, पैकअप हो गया डाउनलोड। ये हमारा डेटाबेस था, ये प्लगइन्स का है पूरा फाइल, प्लगइन्स 42 MB का है। तो ये सारा जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हमारे सिक्योरिटी के लिए ये सारा काम कर रहा है कि नहीं, एक बार इसको हम लोग लोकल होस्ट में डाल के देख लेंगे। पता चले ये सारा चीज़ डिलीट कर दिए और जिस होस्टिंग को अपलोड किए वहाँ पर हो ही नहीं रहा, एरर आ रहा है या फाइल करप्ट दिखा रहा है। इंस्टॉल हो गया, अब इसको करेंगे हम लोग एक्टिवेट। एक्टिवेट हो गया, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, एक बार डायरेक्टली चले जाएंगे नीचे अपलोड बैकअप फाइल्स, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, चलिए जितना है टुडे सारा एक ही है नीचे बैकअप, लोकल होस्ट पे तो बहुत जल्दी हो जाएगा इसमें इंटरनेट। चलिए तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये लोकल होस्ट में हमारा जो कि अभी वेबसाइट हमारा कैसा है इस टाइप का है लोकल होस्ट में। यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो सारे को सिलेक्ट यहाँ से कर लेंगे, सारा डाटा यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट के रजिस्टर पर हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे डेटाबेस हो रहा है, डेटाबेस में हमारे यहाँ पर चेंज करना होगा। डेटाबेस में जाएंगे, रिपीट होने में ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शंस हम लोग WP ऑप्शंस में जाकर url.in है, और यहाँ पर ये हमारी url, तो इस url को कॉपी करके यहाँ पर हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, डेटाबेस में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें रिडायरेक्ट कर देगी। चलिए सारा हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब क्लीनिक अप वो कर रहा है, जितना भी फाइल हम लोग डेटा अपलोड किया वो सारा चीज़ को हटा देगा वो। अब यहाँ से हम लोग इस वेबसाइट में देखते हैं लोकल होस्ट को खोल के क्या आ रहा है। तो ये वेबसाइट हमारा ये एज इट इज उसी का हुबहू हमारा यहाँ पर आ गया, जिसका ये हमारा मेन वेबसाइट था। इसी चीज़ हमको पता चला, जो भी डेटा यहाँ से डाउनलोड किए थे सारा डेटा 5 सेक्शन में लोकल नया होस्टिंग में ले जाने के लिए। चलिए अब हम नया होस्टिंग में जाते हैं, जहाँ से हम नया होस्टिंग लिए हैं, होस्टिंगर खोलते हैं और पुराना वेबसाइट को नया होस्टिंगर सबको लॉगिन करना है, तो लॉगिन पर क्लिक किए ऐड वेबसाइट। ठीक है, ऐड वेबसाइट, उस वेबसाइट का नाम और पासवर्ड डाल दिया, अब ऐड पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा एरर देगा, एक यहाँ पर एरर दिया डोमेन सब डोमेन इज ऑलरेडी इन यूज, क्योंकि ऑलरेडी यूज हो रहा है तो डायरेक्टली उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते,
उसको हमको वहाँ से जाकर डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए अब यहाँ से हम वेबसाइट जहाँ से होस्टिंग लिया उसमें लॉगिन करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिलीट कर दिए तो सारा डेटा आपका चला जाएगा। पुराना वाला हमको डिलीट करना पड़ेगा। तो पुराना वाला भी होस्टिंग डोमेन हमारा होस्टिंगर से लिया हुआ, नया वाला भी होस्टिंगर से जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे एकदम, यहाँ पर दिया होगा डिलीट, डीएक्टिवेट के बाद उनको डिलीट कर देंगे उसको। डिलीट ये कंफर्म कर लीजिए हमारा लोकल होस्ट पर वेबसाइट चल रहा है, मतलब जो बैकअप ये क्रिएट किए हैं सही है। अगर ऐसा नहीं है तो सारा का सारा आपका डेटा लॉस हो जाएगा। डिलीट पर क्लिक करें, आई अंडरस्टैंड, कंफर्म डिलीट। अब यहाँ पर इसको रिलोड करते हैं, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। ठीक है, मतलब वेबसाइट गया हमारा, ये लोकल होस्ट में है। ठीक है, अब वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर इसको हम लोग ले जाना है। तब यहाँ पर आए, आईडी पासवर्ड यहाँ पर, सॉरी वेबसाइट के डोमेन पासवर्ड दे दिए। अब यहाँ पर ऐड पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर एरर नहीं आएगा क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने इसको डिलीट कर दिया है, वेबसाइट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ से जाकर उस वेबसाइट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोलर में आके क्लिक किए, आते हैं वर्डप्रेस पर क्लिक किए, बाद यहाँ से इंस्टॉल पर हम लोग क्लिक करेंगे। वेबसाइट tipuron.in रिसेट हो गया है। ठीक है, ये डिफॉल्ट वर्डप्रेस का थीम है और ये हमारा लोकल होस्ट ऐसा चल रहा है। पहले शुरू में हमारा लाइव वेबसाइट इस टाइप का दिखता था, तो हमारा लोकल होस्ट में आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको लाइव बनाना, हमको पूरा डेटा यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम लॉगिन वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में जाएंगे, लॉगिन ऐड करेंगे। जो प्लगइन हम लोग जिसे बैकअप बनाए थे, ये प्लगइन से यहाँ पर ऐड। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, फिर सेम प्रोसेस है, अब यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे फाइल को। यहाँ से एक तो फाइल हम लोग अपलोड करके देखते हैं, छोटा वाला डाउनलोड सबसे छोटा साइज का बैकअप होगा हमारा, थीम होगा, आता होगा, ये तीनों है और अपलोड बचा प्लगइन्स बचा, उसके अलावा तीनों को हम लोग अपलोड कर देते हैं यहाँ से। तो ये जल्दी से हमारा ये अपलोड हो जाएगा हमारा एक बार। अब यहाँ से हम इसको रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे, सारे प्लगइन्स यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से रीस्टार्ट पर क्लिक। अभी देखते हैं वेबसाइट कैसा है, अभी मेंटेनेंस मोड में चला गया, मतलब मेरी वेबसाइट पर हमारा काम हो रहा है, अपडेट हो रहा है। यहाँ पर प्लगइन्स दिखा रहा है कितना हुआ, कितना बाकी है। ठीक है, हमारा वो लॉगिन बोल रहा है जो कि पुराने वेबसाइट पर था, जो पुराने वेबसाइट पर tipuron.in पर वो आईडी पासवर्ड था, यहाँ पर अपडेट। ठीक है, लॉगिन करने के बाद मतलब यहाँ पर डेटाबेस लॉगिन डेटाबेस हमारा अपडेट हो गया। कॉन्फ़िगरेशन क्लिक कर, तब यहाँ से वेबसाइट काम थी मेंटेनेंस मोड पे था, इसको रिलोड किए पेज को, हमारा वेबसाइट एड्स इट इज़ आ गया। यहाँ देख सकते हैं जैसे पहले हमारा वेबसाइट था उसी तरह सेम टू सेम शो करने लगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हैं, और वैसे कोई वीडियो चाहिए आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।